अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इल्यूमिनाटी से जुड़ी तंजीम नाइट टेंपल्स की तारीख और फ्रांस में इनकी बाकियात। पेरिस के इलाके मारीज में आज भी पहली सलेबी जंग के दौरान वजूद में आने वाली पुरेसरार जंगों की तंजीम नाइट टेंपल्स की बाकियात खूबसूरत गलियों के बीचों बीच आसानी से मिल सकती हैं। एक ज़माने में यह इलाका यूरोप में इनका गढ़ समझा जाता था। मारूफ फिल्म इंडियाना जॉन से लेकर दी डाउनिशी कोर्ट तक हमारे जदीद तखयल में नाइट टेंपल्स के अफसानी किरदार छुपाए हुए हैं, लेकिन इन किरदारों के पसे पुश्त कई सदियों पर मुहित एक ऐसी दास्तान है जो एक से ज़्यादा बड़े आज़मों पर फैली हुई है। ये कहानी फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस पर इख्तिताम पजीर हुई, जहां नाइट टेंपल्स की आखिरी बरसों की निशानी मिल सकती हैं, लेकिन ये निशानियाँ सिर्फ उन्हें नज़र आती हैं जो इन्हें ढूंढने निकलते हैं। नाइट टेंपल्स कौन थे? नाइट टेंपल्स की कहानी 1099 में पहली सलेबी जंग के दौरान शुरू हुई, जब यूरोप से ताल्लुक़ रखने वाले मसीही फ़िरके रोमन कैथोलिक की अफवाज ने मुसलमानों से यरूशलम छीन लिया। नतीजे में यूरोप के ज़ायरीन बड़ी तादाद में इस मुकद्दस ज़मीन में बस गए, लेकिन कई लोगों को मुसलमानों के कब्ज़े वाले इलाके से गुजरते हुए लूटमार या कत्ल का निशाना बनाया जाता था। इन हमलों का मुकाबला करने के लिए सन 1118 के आसपास फ्रांसीसी कमांडर ने अपने एक फ़ौजी दस्ता तश्कील दिया, जिसका नाम पावर नाइट्स ऑफ क्राइस्ट ऑफ द टेंपल ऑफ सोलोमैन रखा गया। ये ग्रुप बाद में नाइट टेंपल्स कहलाया। नाइट टेंपल्स आला सतही कमांड्स या नाइट्स थे, जिनका हेडक्वार्टर्स यरूशलम के मुकद्दस माउंट टेंपल पर बनाया गया। इनका बुनियादी मकसद शहर में मसीही ज़ायरीन की हिफाजत करना था। अगर अफसानवी कहानियों को माना जाए तो ये नाइट टेंपल्स के ही कुछ अराकीन थे, जिन्होंने 14वीं सदी के दौरान फ्रांस से भागकर बरतानिया में फ्री मैसन्स नामी तंजीम शुरू की। फ्रांस में रियासत के अंदर रियासत। सन 1139 में पॉप इनोसेंट दोम ने एक हुक्म जारी किया, जिसके तहत नाइट टेंपल्स की ताकत वसी हो गई और इसके फौजी यरूशलम के पार भी मुतहरिक हो गए। उन्हें गैर मामूली छूट भी दी गई, जिसमें उन पर दुनिया भर में टैक्स या मजहबी फराइज में दिए जाने वाला चंदा जमा करना अब फर्ज नहीं था। इनको इजाज़त थी कि वो मुकद्दस शहर में ऐसे तोहफे तहफ अपने पास रख सकते थे जो ज़ायरीन ने उन्हें अपनी शुक्रगुजारी में दिए हों। उसी साल बादशाह लोवी हफ्तुम ने नाइट टेंपल्स को पेरिस की दीवारों के शुमाल मशरकी कोने में एक ज़मीन अतिया की, जहाँ इन जंगजुओं का एक ग्रोह बस गया। इस ग्रोह के मेम्बर इन यूरोप में दूसरी तंजीमों से अलग थे। ताहम नाइट्स टेंपल्स एक फ्रांसीसी इदारा था, जिसका एक फ्रांसीसी बानी था। इसकी तारीख का हर सुप्रीम कमांडर या ग्रैंड मास्टर फ्रांसीसी नस्ल से ताल्लुक़ रखता था, जिसकी बदौलत यूरोप में फ्रांस को नाइट टेंपल्स का गढ़ समझा जाता था। किताब नाइट टेंपल्स फॉर डमीज़ के मुसन्निफ़ और नाइट टेंपल से मुताल्लिक़ पेरिस में तफरीही सफ़र के मेज़बान टैरी ने बताया कि पेरिस ने इन नाइट टेंपल्स की यादें मुख्तलिफ जगहों के नाम रख कर महफूज कर ली हैं, जैसे सिक्योडो टेंपल, ब्लेवर टेंपल, रोडो टेंपल, कैरेडो टेंपल वगैरह। इनकी मरकजी जगह तो बहुत पहले से वक्त के हाथों अपनी असल हालत खो चुकी है, लेकिन आप आज भी इस जगह का दौरा कर सकते हैं जो रोडे लोबो पर मौजूद थी। ये होटल डी वैले के अक में वाक़ है। माजी में इस हवेली के इर्द गिर्द मीलों तक बंजर जमीन और दलदल थी। इस इलाके को रहने के काबिल बनाने के लिए नाइट टेंपल्स के जंगजुओं ने दलदल को खुश करना शुरू कर दिया था। उन्होंने ये अमल 1240 में कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। हालांकि अब यहाँ कोई दलदल मौजूद नहीं है, फिर भी ये जगह ले मारीज या दी मार्श कहलाती है। सिक्योडो टेंपल का पार्क नाइट टेंपल्स के यूरोप के तबाह हाल मरकजी दफ्तर के ऊपर बना हुआ है। इस मरकजी दफ्तर का नाम इनकोजडो टेंपल था। ये वो जगह है जहाँ जंगजू अपने खजाने का बड़ा हिस्सा रखते थे। इनके बारे में मशहूर है कि ये फ्रांस में एक मजबूत रियासती ताकत या रियासत के अंदर रियासत बनकर उभरे, जो फ्रांस के बादशाह के सामने खुद मुख्तार थे। नाइट टेंपल्स का जवाल। हाकमियत का ये निज़ाम कुछ अरसे तक इसी तरह चलता रहा, लेकिन 1303 में जब मुसलमानों की अफवाज दोबारा यरूशलम पर काबिज हो गई तो सब बदल गया। नाइट टेंपल्स को ज़बरदस्ती यरूशलम के टेंपल माउंट की जगह फ्रांस के इनकोजडो टेंपल नामी यूरोपी दफ्तर को अपना मरकज़ बनाना पड़ा। उस वक्त के फ्रांसीसी बादशाह फिलिप द फ्लेयर नाइट टेंपल्स की रियासती ताकत से खुश नहीं थे, जिसकी वजह से उन्होंने फैसला किया कि हर सूरत इस निज़ाम को तब्दील करना होगा। बादशाह फिलिप के इस फैसले की बाजगश्त आज भी होती है। अक्सर स्कॉलर समझते हैं कि उन्होंने ये फैसला माली बुनियादों पर किया। नाइट टेंपल्स की तारीख पर लिखी एक किताब की मुसन्निफा और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मुंसलिक तारीख दान डॉक्टर हेलन निकोलसन कहती हैं
कि फिलिप चाहते थे कि वो पेरिस में टेंपल्स के खजाने से वसूल करदा चांदी का सिक्का इस्तेमाल करें ताकि फ्रांस के सिक्कों का गिरता हुआ मेयार बेहतर बनाया जा सके। सच तो ये कि बादशाह होने की हैसियत से फिलिप पर लाजिम था कि वो किसी किस्म की कोई वजाहत दें। 13 अक्टूबर 1307 को उन्होंने नाइट टेम्पल्स के ग्रैंड मास्टर जाक डी मोले समेत जंगजियों की बड़ी तादाद पर शैतान को पूजने, बुत परस्ती और हमजिंस परस्ती जैसे इल्जाम लगाकर गिरफ्तार करवा लिया। इसमें सितम जरीबी ये हुई कि आज भी मारीस को जिनसी हकूक या LGBT बरादरी के ज़िले के तौर पर जाना जाता है। नाइट टेम्पल्स के हरीफ जंगजू रोडो टेम्पल के करीब एक गिरजाघर में दो बड़े झंडे देखे जा सकते हैं जिन पर सफ़ेद रंग के क्रॉस बने हैं। ये नाइट टेम्पल्स की अलामत की याद दहानी कराते हैं, लेकिन नाइट टेम्पल्स के अलामत इससे कुछ मुख्तलिफ यानी सफ़ेद रंग पर लाल क्रॉस हुआ करती थी। चर्च के पादरी के मुताबिक इसका नाम अगीसा सेंट एलिजाबेथ डे हंगरी है और इस पर मौजूद बैनर्स ऑर्डर ऑफ माल्टा की निशानदेही करते हैं। ऑर्डर ऑफ माल्टा एक ऐसा हुक्मनामा था जिसके तहत नाइट ऑफ सेंट जॉन या नाइट्स फॉर सिप टेलर वजूद में आए। जंगजुओं का ये गुरु नाइट टेम्पल्स का हरीफ था। पादरी के बंद कमरे में इस इमारत का छोटा मुजस्मा मौजूद है। इनके मुताबिक कुछ अरसे तक नाइट टेम्पल्स और नाइट हॉस्पिटेलर एक दूसरे के हरीफ रहे। नाइट हॉस्पिटेलर को नाइट टेम्पल्स के इख्तियारात से एतराज़ था। टेम्पल्स के निज़ाम के अख्ताम के बाद इनके कई जंगजुओं को एक इंजमाम के तहत हॉस्पिटेलर का जंगजू बना दिया गया। पॉप क्लेमेंट पंजुम ने नाइट टेम्पल्स के जवाल और जंगजुओं की गिरफ्तारी के साथ नाइट हॉस्पिटल्स को इनकोजरो टेम्पल के इख्तियारात दे दिए। चर्च में इस मरकज़ की इमारत की कई तस्वीरें भी हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे आप माजी के एक बिल्कुल मुख्तलिफ पेरिस को देख रहे हैं। आखिरी ग्रैंड मास्टर की बद्दुआ। चर्च के करीब आप एक ऐसी इमारत देख सकते हैं जहां तारीख दान डवा एस्पर ऑटो के मुताबिक टेम्पल्स के कई जंगजुओं को कैद में रखा गया था। इस इमारत का नाम मोजे दे आर्ट्स ए मेट्रस है। ये एक साइंस और इंजीनियरिंग का म्यूजियम है, लेकिन यहाँ पहले सेंट मार्टिन डे चैम्पर्स पर एवरी की इमारत हुआ करती थी। नाइट टेम्पल्स की कहानी सिकोविर डोवीर ग्लांड पर इख्तिताम पजीर हुई जो मरीज में दरियाए सैन के पास एक हरी भरी चोटी पर वाक़े है। सिकोविर डो टेम्पल की तरह सिकोविर डोवीर ग्लांड एक पुरसकून जगह है जहां पेरिस के रिहायशी और सयाह सैर व तफरी के लिए आते हैं। ये जगह शायद ऐसी लगे जैसे फ्रांसीसी पेंटर रेनवार की किसी तस्वीर का मंजर हो, लेकिन 18 मार्च 1314 को ये किसी ड्राउनी फिल्म का सीन बना हुआ था, क्योंकि उस दिन टेम्पल्स के ग्रैंड मास्टर जाक डे मोले को 7 साल कैद के बाद जिंदा जला दिया था। पार्क के दाखिली दरवाजे पर लिखा है कि ये वो जगह है जहां टेम्पल्स के आखिरी ग्रैंड मास्टर जाक डी मोले को जलाया गया। कहा जाता है कि मरते वक्त जाक डी मोले ने पॉप क्लेमेंट पंजुम, बादशाह फिलिप और उनके आने वाली नस्लों को बद्दुआ दी थी। उन्होंने कहा था कि अगले 1 साल में दोनों मर जाएंगे और बादशाह फिलिप की नस्ल फ्रांस पर हुक्मरानी नहीं कर पाएगी, और हुआ भी कुछ इसी तरह। पॉप क्लेमेंट और बादशाह फिलिप दोनों उसी साल वफात पा गए और अगले 14 बरसों के दौरान बादशाह फिलिप की नस्ल के तमाम वारिस चल बसे। इससे वो नस्ल जिसने 3 सदियों तक फ्रांस पर हुक्मरानी की बर्बाद हो गई। हम शायद ये कभी मालूम ना कर सकें कि आया जाक डी मोले ने वाकई बादशाह और पॉप को बद्दुआ दी थी या नहीं। सच्चाई जो भी हो, अब मारीस की खूबसूरत गलियों तले पेरिस के दीगर बेशुमार राज समीत दब चुकी है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।